हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर मोशन को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर एट में है और फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है कह सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन से शुरू करते हैं आज के सेशन को। मोशन क्या है, रेस्ट क्या कंडीशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में अगली स्लाइड में बातें करेंगे। लेकिन हम लोग पहले एक बेसिक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि मोशन का कितना टाइप होता है। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है रैंडम मोशन, यानी कि ये जो मोशन होता है बेसिकली मूवमेंट ऑफ स्मोक इन एयर, मतलब स्मोक हो गया, एयर हो गया, या फिर हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसमें रैंडम मोशन होता है, क्योंकि वो जो है ना किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहता है उसका पार्टिकल्स, यानी कह सकते हैं जिगजैग मोशन या फिर ब्राउनियन मोशन, राइट। तो उसी को हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं, यानी कि रैंडमली वो किधर किधरों इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। इसके बाद अनदर टाइप जो है टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन, जो कि ये मोशन जो होता है ये स्ट्रेट लाइन में होता है। ट्रांसलेशनल मोशन तीन टाइप का होता है। पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन, तो एक ऐसा टाइप का मोशन जो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करे उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा होता है कर्व लिनियर मोशन, जो कि कर्व में फॉलो करे, जैसे कि कोई स्टोन को आप फेंके और ऐसे करके गिर जाए जाकर के कहीं पे, तो ये कर्व लिनियर मोशन कहलाएगा। उसी तरह से सर्कुलर मोशन, आप किस जैसे कि मोशन जो होगा किसी कोई किसी ऑर्बिट में घूम रहा होता है, जैसे साइकिल का चक्का जो है या कोई भी व्हीकल्स का जो टायर होता है वो बेसिकली रोटेट करता है सर्कुलरली, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन में के अंतर्गत आता है। तो टोटल ट्रांसलेशनल मोशन थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? रेक्टिलिनियर, जो कि स्ट्रेट लाइन में फॉलो करे, जैसे गन से निकला हुआ बुलेट, और दूसरा कर्वलिनियर, जो कि कर्व के फॉर्म में, कर्व वाला पाथ में फॉलो करें, और दूसरा तीसरा होता है सर्कुलर मोशन। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं रोटेशनल मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है रोटेट करता है अपने एक्सिस के ऊपर, यानी अपने एक्सिस के ऊपर जब रोटेट करता है तो उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन अलग अलग चीज़ें हैं। सर्कुलर मोशन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों साइड घूमते रहता है उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट। और जो ऑर्बिटल यानी कि रोटेशनल मोशन होता है वो ऑब्जेक्ट खुद अपने जो एक्सिस है उस पर ऑब्जेक्ट ही घूमते रहता है उसे क्या कहते हैं बेसिकली रोटेशनल मोशन। जैसे कि हम लोग का जो अर्थ है इसमें रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन का, टू फॉर्म एंड टू इंड एंड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन होता है कि ये स्टार्ट होता है फिर बात करते हैं, यानी कि एक ही मोशन जो रिपीट होते रहता है, जैसे कि मोशन ऑफ द पेंडुलम, या फिर कह सकते हैं झूला का, यानी कि झूला जो हैंग करके झूलते हैं तो उसका जो मोशन होता है वो सब ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आता है। इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं मोशन को। तो कहते हैं मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या पोजीशन विथ द टाइम, राइट। इसी को मैंने यहाँ पर इलेबोरेट कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, कि टू डिस्क्राइब द पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताने के लिए हमको क्या जरूरत होता है, स्पेसिफाई करना होता है रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम लोग क्या करते हैं ओरिजिन कहते हैं। जैसे सपोज दैट आप कहीं पर बैठे हुए हैं या फिर कहीं पर किसी का वेट कर रहे हैं, किसी को बुलाएंगे अगर आप तो अपना एड्रेस जो देंगे वहाँ कहीं का ओरिजिन यानी कि रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, वहाँ का लोकेलिटी एरिया के बारे में बताना पड़ेगा कि आप जो है इस एरिया में आ जाइए, राइट। तो जिस एरिया का नाम लेंगे आप, जो आपके नियरेस्ट में होगा वो हो जाएगा आपका रेफरेंस पॉइंट, और जहाँ पर आप हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं रेफरेंस पॉइंट को, जो रेफरेंस पॉइंट लिया है वही कहलाएगा क्या ओरिजिन कहलाएगा, राइट। अब इसी को यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है, यहाँ पे इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है मैंने कि एक स्कूल है जो कि विलेज से 2 किलोमीटर क्या है नॉर्थ है ऑफ द रेलवे स्टेशन, यानी कि लेट अस अज्यूम दैट ए स्कूल इन ए विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। एक स्कूल एक गाँव में स्कूल जो है वो रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। कहते हैं वी हैव स्पेसिफाइड द पोजिशन ऑफ स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन, हम लोग जो है स्कूल का जो लोकेशन है वो हम रेलवे स्टेशन के थ्रू स्पेसिफाइड
ऐड किए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस एग्जांपल में रेलवे स्टेशन जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ओरिजिन हो जाएगा। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, हम अदर रेफरेंस पॉइंट को भी चुन सकते हैं हम अपने सहूलियत के अनुसार। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मोशन के अंक का अगर पूछेगा व्हाट इज मोशन, तो सिंपल मैं बोल सकते हैं मोशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशंस ऑफ ए बॉडी विद टाइम। चलिए अब अगला बात हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। कब कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, कब कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशंस भी लिखा हुआ है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, एक बॉडी को हम लोग रेस्ट में कह सकते हैं कब, इफ इट्स पोजीशन डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर उसका पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगा, पोजीशन जो होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा, उसको कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। कहते हैं रेस्ट टू ए गिवन रेफरल पॉइंट एज टाइम पासिस। आगे बढ़ते हैं मोशन, कहता है मोशन इज ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी को हम लोग मोशन में कह सकते हैं इफ देयर इज ए कंटिन्यूज चेंज इन इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन रेफरल एज टाइम पासिस, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है पोजिशन है वो अगर चेंज होते जा रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है क्या है, मोशन में है। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन जो है ये रिलेटेड है किससे, रेफरल चेंज से इन पोजीशन। सो ए सिंगल ऑब्जेक्ट जो होगा कैन बी एट रेस्ट और मोशन, सिंगल ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट में हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, सम टाइम विथ डिफरेंट रेफरल पॉइंट्स, कुछ समय के लिए विथ डिफरेंट रेफरल पॉइंट्स। रेफरल पॉइंट उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर फिर है अगला पॉइंट, इफ वी कंसिडर ए सिंगल ऑब्जेक्ट एज ए रेफरल पॉइंट, अगर हम लोग रेफरल पॉइंट को सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं, कहता है इट हैज रेस्ट एज ए एब्सोल्यूट पॉइंट एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट with respect to that point is considered at rest and the same case with motion, और ये same case होता है किसके साथ, motion के साथ है। आगे बढ़ते हैं in general, कहते हैं we consider earth as absolute point considering it at rest all through it is in motion with respect to the sun and other planets, तो यहाँ पर कंसिडर किया गया है कि अर्थ जो है वो एब्सोल्यूट कंसिडर किया गया है, एब्सोल्यूट पॉइंट है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, क्या है ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है किसी भी एक्चुअल पाथ जो होता है वो कवर्ड कहते हैं ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द चेंज इन पोजिशन मेड ड्यूरिंग ए बॉडी, इट इज नीडेड नॉट टू बी द shortest path between two points, not to be the shortest path between two points. कहता है इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, ये जो है कि स्केलर क्वांटिटी है, एज इट डज नॉट हैव एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट, मोशन ऑफ द बॉडी इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं, कहता है इट इज़ द shortest path, ये जो है ना shortest path है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजिशन के बीच का। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, ये जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एज इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको ऑलवेज डायरेक्ट किया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन यहाँ पर डेफिनेशंस है। तो कॉन्सेप्ट रेस्ट रेट ऑफ चेंज रेट इज डिफाइंड बेसिकली कॉन्सेप्ट रेट ऑफ मोशन इसको जो है डिफाइन किया जाता है कि चेंज इन रेशियो टू क्वांटिटीज रेट ऑफ इट्स टू टाइप्स। तो एवरेज रेट ऑफ क्वांटिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, नेट चेंज इन ए नेट चेंज इन बी, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो इंस्टेंटेनियस रेट इज रेट एट एन इंस्टेंट दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम। कहता है स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन जो है आर एग्जांपल्स ऑफ रेट। कहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और एवरेज स्पीड इज इक्वल क्या होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। तो ये था कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शंस, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और भी अगर इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके शेयर कर दीजिएगा। तो रखते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।